अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। दरअसल मैं वॉकिंग के लिए गया था, पूरा घूमा एकोमोडेशन का जो भी आसपास का एरिया है पूरा घूम लिया मैं। तो अभी थोड़ी भूख लगी है तो खाना चाहिए ना, तो अगर भूख लगी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ट्रैफिक भी है और अभी तक सिग्नल ख़त्म नहीं हुआ है। सिग्नल ख़त्म हो जाएगा तो मैं जाऊँगा, मुझे दूसरे साइड में जाना है। आप देख सकते हो कितना कितनी गाड़ियाँ हैं, देखो ये ट्रैफिक है आपका, देखा रहा। ये अभी इस साइड का ट्रैफिक बंद हो गया तो मैं जा सकता हूँ अभी। यार यू टर्न भी आ रहा है, अभी मैं जाऊँगा, फिर भी देखता हूँ मैं, अगर टाइम मिला मुझे तो मैं जाऊँगा यार। अभी मैं जा रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ करके बच जाऊँ। बच गया, अभी मुझे जाना है रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट में क्या मिलेगा हमें, ठीक है ना। तो अभी सिग्नल बंद हो गया तो जा रहे, चलो जाते हैं अभी। हो गया भाई, ये है ना अलराज जी का बैंक, यहाँ पे मैं पैसे डालता हूँ ये अकाउंट। देखा आपने, यहाँ पे बहुत मुश्किल है कि आप अगर रोड क्रॉस कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी कहीं कोई तेज़ मत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग, ये इनके पास है ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा खाली होता है, ऐसे ही जाते हैं आप उसे कुचल के जाएंगे और देखेंगे भी नहीं। तो आपको उमूमन जब भी सिग्नल क्रॉस करते हो, कोई भी सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग पे सिग्नल है तो वहाँ से आप क्रॉस करो कोई। हाँ मैं क्या बोल रहा था आपको कि मैं वॉकिंग कर रहा था, इसलिए थोड़ा हेड आ गया है बहुत ज़्यादा, तो अभी सोच रहा था मैं कि थोड़ा सा मैं अभी वॉकिंग कर लूँ तो ताकि थोड़ा स्वेट है वो निकल जाएगा, तो उससे भी थोड़ा चाहे वो फैट हो या पेट वो कम हो जाएगा। तो मैंने ऐसे ही राउंड मारा था एकोमोडेशन से, जहाँ मेरी एकोमोडेशन है वहाँ से मैं निकला था और फिर मैं पूरा घूम के आया। घूमने के बाद मैं अभी जाऊँगा रेस्टोरेंट में, जो रेस्टोरेंट वो एकोमोडेशन से भी बहुत दूर है। ये अगर आप मान लगा सको अप्रॉक्सीमेटली तीन किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर अभी मैं पैदल चला, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा शायद, मुझे उतना अंदाज़ा नहीं है, फिर भी उससे ज़्यादा होगा। तो देखते हैं, चलती है ज़िंदगी ऐसे ही चलती है, क्या करना है अभी भाई। बस यार ज़िंदगी 2 पल की है, अगर आप ये सोचोगे क्या करना है क्या नहीं करना तो छोड़ो भाई, फिर तो जीना ही नहीं है ना। चलो ऐसे ही चलती है ज़िंदगी, चलना है, करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे ही चलो। ये नहीं सोचो कि भाई वो उसने खा लिया तो मुझे नहीं, मैंने अभी तक खाया ही नहीं, ऐसा नहीं होना। ये होटल है लबनम है, आप आ सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, स्टाफ भी अच्छा है, फ्रेंडली है और खान पे। सलाद और ड्रेसिंग है, देखते हो आप। ये मैंने लेके आया 21 रियाल में, तो आप भी आ सकते हो और यहाँ पे फूड का लुत्फ उठा सकते हो। तो और हाँ, अभी मैं रूम पे जाता हूँ, रूम पे जाके एक उसका रिव्यू देता हूँ मैं, कैसा है, कैसा टेस्ट है। टेस्ट तो अच्छा ही आता है, मैं पहले भी आया था इधर, तो मैंने सोचा आज एक वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों को भी दावत देता हूँ कि आज आप भी आ जाए इधर और टेस्ट कर ले इसका, जो भी है, चाहे वो चिकन बुखारी हो, कुछ भी हो, कबाब हो, सीख कबाब हो, कुछ भी हो, वो आप ट्राई कर सकते हो इधर, और अच्छा है, बहुत अच्छा है और क्वांटिटी भी बहुत देते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात यह है, ये स्टाफ अच्छा है, रेस्पेक्ट करता है, वो सबसे बड़ी चीज़ हुई है। रूम पे पहुंच गया मैं, अभी खोलते हैं, देखते कैसा है ये, एक मिनट यार, बहुत भारी है, राइट बहुत दिया है, आपको मैं दिखाऊंगा इंशाल्लाह।
आप भी बने रहे वीडियो के साथ। इसको मैं इधर रखता हूँ, आप देखो ये राइस, ये देख रहे हैं खा पाते हैं नहीं, बाद में देख रहे हैं। और असल में ये है असली मज़ा, ये देखो भाई लोग, ये है असली मज़ा। कोयला चिकन, कोयला चिकन है ये, और ये हो गया राइस इसके साथ। अभी बिस्मिल्लाह करते हैं और खाते हैं, और बाद में आपसे मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें और आबाद रहें, और ये ना भूलें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज लाइक और इंस्टा को फॉलो।